जोहर जयसु यीशु से गुड मॉर्निंग और 18 साल हो गए रे नो दादा ये बाबा शादी करा दे रे बोल तेरी की मां दे ये दोस्तों मेरे लिए नहीं बल्कि आज जो शादी होने वाले हैं उनके लिए मैं गा रहा हूँ। मेरे लिए नहीं, मेरा तो शादी हो चुका है और आप लोग जानते हैं ना 18 साल नहीं होने से शादी नहीं होता है। और दोस्तों क्या कहते हैं आप लोगों को पता है? कहते हैं ना जो शादी का लड्डू खाएगा वो भी पछताएगा और जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा, खा के ही पछताना है। तो आज देखते हैं आज शादी का लड्डू कैसा होता है। और आज ये चर्च में मैरिज होने वाला है जो कि आवर लेडी ऑफ इमैकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च झीरपानी। और मैं आ गया कैंपस का अंदर और अभी तक दूल्हा या दुल्हन अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो अभी जल्द ही यहां पे पहुंचने वाले हैं। आज मैरिज होने वाला है जो कि दुल्हन है जीएल कलिसिया से, जीएल चर्च से, और दूल्हा है अर्सी चर्च से, अर्सी कलिसिया से है। तो आप लोगों को पता होगा अगर दूल्हा कोई भी कलिसिया का हो, अर्सी हो या सिया नहीं हो या जीएल हो, दूल्हा या लड़का जिधर का हो उधर ही उस तरफ ही मैरिज होता है। तो यहाँ पे दूल्हा है अर्सी कलिसिया का, तो यही आवर लेडी ऑफ इमैकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च झीरपानी राउल किला, यही चर्च में आज मैरिज होने वाला है। और एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि मुझे लड़का या लड़की तरफ से कोई इनविटेशन कार्ड नहीं मिला है, पर चर्च में जो कि दुल्हन का माँ मेरे को बात से ही इन्वाइट की कि वीडियो बनाने के लिए, खास करके वीडियो बनाने के लिए मेरे को इन्वाइट किया गया है लड़की की ओर से, दुल्हन की ओर से। तो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे चर्च मैरिज देखने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे घर में जहाँ पे उनका चुमन प्रीति भोज होगा, वहाँ भी जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, अभी थोड़ी ही देर में ये चर्च मैरिज स्टार्ट होने वाला है। और ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये है चर्च का बैक साइड और बैक साइड का मेन गेट। और यहाँ से अंदर जाएंगे दूल्हा दुल्हन, यहाँ से अंदर जाएंगे। अभी पुरोहित सब नहीं पहुँचे हैं, पुरोहित आएंगे तो फिर दूल्हा दुल्हन को अंदर लेके जाएंगे। और यहाँ पे जूता चप्पल को बाहर छोड़ देना है, केवल दूल्हा दुल्हन पहन के अंदर जा सकते हैं, बाकी लोग यहाँ पे जूता चप्पल छोड़ के अंदर घुसेंगे। तो बहुत अलग अलग तरीका से मैरिज होता है अलग अलग कलीसिया में, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, तो देखते रहिए आगे कि कैथोलिक कलीसिया में कैसा मैरिज होता है। तो चलिए चलते हैं अंदर, अभी पुरोहित सब आने वाले हैं थोड़ी ही देर में, फिर चलेंगे अंदर। तो ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अभी पुरोहित सब लोग के साथ में अंदर घुस रहे हैं हम लोग। और आप लोग देख सकते हैं अंदर का नज़ारा, अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, अंदर का चर्च का व्यू कुछ बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप लोगों को पूरा व्यू देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन का हाथ में है कैंडल, जो कि दिया हम लोग बोलते हैं, जो कि दिया लाइट का मतलब होता है। यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। तो इसलिए हर जगह पे हम लोग ज्योति का कैंडल का यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं। Thank you.
ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश की पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवर और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बांध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर प्रसाद की कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे संजय नितीश किरण, मैं जिमी जॉनसन पूर्ति आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे जिमी जॉनसन पूर्ति, मैं संजू नितीश किरण आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ जीवन भर दुख और सुख में आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करें। आमीन। ईश्वर तेरी वचनों से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है, इस सिंदूर अंगूठियां फूलमाला को आशीष प्रदान कर कि बरबंधु तेरी इच्छा और पुरुषों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वस्थ और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमें हमारे प्रति के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह
ईमानदारी का भैया जिमी जॉनसन पिता और पिता आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह जांगू से बहन लीजिए। थोड़ा सा इधर सामने देखिए, ये लगे लगी साइड हो जी मैं भैया हाथ थोड़ा कैमरा को रख के हाथ रख के कैमरा को देखिए रुके 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 थोड़ा सा गया करार के साथ साथ में आ रहे हैं आगे के किन है और सिंधु लगे द्वारा ही मन पति पत्नी बहन शायन सदो ही मन के हमें शुभकामना दो और मन के खुशियाली में सहभागिता हो जब राय मन को माला बिंदा में सो मन हमने ताली बजा Thank you.
अपन दाहिना हाथ उठाते हुए मन के लगने आशीष करके निमंत्रण करना। हे पवित्र पिता, तूने मनुष्य को अपने अनुरूप बनाकर न्यायदायी बनाया ताकि पति पत्नी की तरह तन मन से संयुक्त रहकर वह संसार में अपने कर्तव्य निभा सके। हे ईश्वर, तूने वरपतु के प्रेम को सिद्धांत प्रति बनाया जिसे तूने प्रेम पूर्वक अपनी प्रजा के साथ स्थापित करने की कृपा की है। तेरा उद्देश्य था कि विवाह संस्कार के द्वारा ख्रीस्त और कलीसिया का जिस प्रेम प्रकट हो जाए। हम तुझ से प्रार्थना करते हैं अपने सेवक श्री काम जीवी जनसान और संजू नितेश किरण पर कृपा पूर्वक अपनी दाहिना हाथ फैलाकर इन क्रीडाओं में पवित्र आत्मा का समान क्या भर दे। हे प्रभु, विवाह संस्कार प्राप्त करके आप दंपत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें ऐसी कृपा करके इस जीवन में तेरे प्रेम का आदर प्रदान करते रहे और तन मन से खोकर परस्पर तेरी उपस्थिति का प्रतीक बने। हे हम परस्पर शांति आदर करें।
अभी नगड़ा से नाच हो रहा है और इस तरफ जो आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे दूल्हा दुल्हन को भेंट किया जा रहा है, भेंट मुलाकात के द्वारा जो कि आशीर्वाद दिया जा रहा है। सब कोई वहाँ पे भेंट कर रहे हैं और अभी ये नाच गाना हो रहा है, उसका बाद में चलेंगे दुल्हन के घर और वहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। और यहाँ का जो भी प्रोग्राम था वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। यहाँ से अभी हम लोग चलेंगे दुल्हन के घर और वहाँ पे आज जो कि दुल्हन का विदाई होगा। और आप लोग जानते हैं ना, हम लोग का आदिवासी क्रिश्चियन का मैरिज तो सबसे बढ़िया लगता है, सबसे मज़ा आता है और सबसे ख़ास चीज़ होता है नगड़ा बजा। और इस तरफ चल रहा है नगड़ा बजा, आप लोग देख सकते हैं। Thank you.
एड़े एड़े कैमरे के ला हाँ।